हेलो दोस्तों, मैं हूं सोहेल खान और आप देख रहे हैं सोहेल एंड आमिर खान। अभी तक आपने देखा पेज लेआउट में पेज सेटअप के बारे में, और आज हम जानते हैं पेज लेआउट के सेकंड हैंडिंग पेज बैकग्राउंड के बारे में कि हम अपने डॉक्यूमेंट में पेज बैकग्राउंड या कोई बैकग्राउंड कैसे लगा सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि हम अपने डॉक्यूमेंट में पेज बैकग्राउंड कैसे लगाते हैं। तो चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और जानते हैं कि आप कैसे उस कमांड को यूज कर सकते हैं। चलिए जानते हैं नेक्स्ट हेडिंग माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का पेज बैकग्राउंड। पेज बैकग्राउंड के बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले आप अपना एमएस वर्ड ओपन कर लीजिए। एमएस वर्ड ओपन करते ही आप पेज लेआउट पढ़ रहे थे, इस पर क्लिक कीजिए और नेक्स्ट हेडिंग है पेज बैकग्राउंड। इसमें तीन मेनू है, वाटरमार्क, पेज कलर और पेज बॉर्डर। तो सबसे पहले हम वाटरमार्क पढ़ेंगे। वाटरमार्क क्या होते हैं? जैसे कोई भी इम्पोर्टेंट कंटेंट टेक्स्ट के पीछे लिखने के लिए हम वाटर मार्क का प्रयोग करते हैं। जैसे आप देखेंगे कोई क्वेश्चन पेपर है, जैसे आप कोई भी कॉलेज का क्वेश्चन पेपर है, तो उस पर क्वेश्चन के पीछे आप देखेंगे हल्का सा उस कॉलेज का लोगो या कोई उस कॉलेज का नाम लिखा होता है। तो आप कैसे कर सकते हैं? तो सबसे पहले आप वाटर मार्क पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर आपको बहुत सारे वाटर मार्क लिख जाएंगे, डू नॉट कॉपी, कॉन्फिडेंटल, आप इसमें भी लगा सकते हैं। अगर आप अपने नाम का, अपने कॉलेज के नाम का या कोई भी वाटरमार्क अपने मन से लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ कस्टम वाटरमार्क पे क्लिक कीजिए। जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स खुल के आएगा। तो आप जैसे कोई टेक्स्ट लिखना चाहते हैं तो यहाँ देखिए टेक्स्ट वाटरमार्क लिखा है, आप इस पर क्लिक कीजिए। जैसे क्लिक करेंगे ये सारे सब ऑप्शन शो करने लगेंगे और ये आपको टेक्स्ट लिखा है, इसी में आपको अपना नाम या कॉलेज का नाम जो भी आपको टाइप करना करिए। जैसे मैं अपने चैनल का नाम दे देता हूँ, सोहेल एंड आमिर खान। आप अपने अपना भी नाम दे सकते हैं या अपने कंपनी का नाम कुछ भी दे सकते हैं। जैसे मैंने दे दिया सोहेल एंड आमिर खान। यहाँ से फंड चेंज कर लीजिए, साइज कर लीजिए, कलर दे दीजिए और यहाँ अप्लाई करिए और इसे क्लोज कर दीजिए। देखिए पेज पे वाटरमार्क मेरे नाम का आ गया। आप अपने नाम को भी लगा सकते हैं और इसी वाटरमार्क को आप रिमूव करना चाहते हैं, मतलब आप इसे हटा के या कोई और लगाना चाहते हैं, तो पहले से रिमूव करिए। आप वाटरमार्क में आइए और नीचे देखिए सेकंड ऑप्शन होगा रिमूव वाटरमार्क, इस पर क्लिक कीजिए। देखिए ये हट जाएगा। इसी तरह आप कोई फिगर, कोई पिक्चर्स, कुछ भी लोगो लगाना चाहते हैं तो वो कैसे लगाएंगे? आप वाटरमार्क पे क्लिक कीजिए और नीचे देखिए कस्टम वाटरमार्क पे ही आएंगे, क्लिक कीजिए तो एक डायलॉग बॉक्स आएगा। तो ऊपर सेकंड हेडिंग देखिए पिक्चर वाटरमार्क है, आप इस पर क्लिक करेंगे अगर आपको पिक्चर या लोगो लगाना है। इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ पे देखिए सेलेक्ट पिक्चर पे क्लिक कीजिए। तो आप अपने कंप्यूटर में चले जाएंगे, आप जो पिक्चर लगाना चाहते हैं उसे सेलेक्ट कीजिए। आप जहाँ भी कोई पिक्चर रखे हों, जैसे मैं यहाँ रखा हूँ, आप कोई भी पिक्चर ले सकते हैं। जैसे मैंने ये लिया और यहाँ से इंसर्ट कर दीजिए और यहाँ से अप्लाई कर दीजिए। ये देखिए आप में बैकग्राउंड मतलब वाटरमार्क एक लोगो का या कोई पिक्चर लग जाएगा। आप इसके ऊपर लिख भी सकते हैं या आप पे कोई वो नहीं होगा, देखिए आप कुछ भी इस पर लिख सकते हैं। ये होते हैं वाटरमार्क। अब नेक्स्ट है पेज कलर। पेज कलर क्या होते हैं? पेज कलर, जैसे आप कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, आपको पेज को कलर देना है, तो आप पेज कलर कैसे देंगे? पेज कलर पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे बहुत सारे कलर आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। आप कोई भी कलर दे सकते हैं। देखिए आप हल्का जितना देंगे आपके प्रोजेक्ट के लिए उतना अच्छा होता है। जैसे आप येलो दे दीजिए, रेड दे दीजिए, आप जितने हल्के कलर देंगे आप उतना अच्छा होगा। आप इसके ऊपर लिख भी सकते हैं, कोई भी अपना प्रोजेक्ट टाइप कर सकते हैं। देखिए हम आपको बड़ा करके दिखा देते हैं, इसके ऊपर कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये होते हैं पेज कलर। नेक्स्ट है पेज बॉर्डर। पेज बॉर्डर आप कैसे लगाएंगे? जैसे आप कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट बना रहे हैं
उसके चारों तरफ एक बॉर्डर लगाना चाहते हैं, आउटलाइन बॉर्डर, तो उसे आप कैसे ऐड करेंगे? तो आप आएंगे पेज बॉर्डर, सबसे पहले आप पेज लेआउट में रहना चाहिए, उसमें पेज बॉर्डर में आइए। जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स आएगा, इसमें यहाँ देखिए बॉर्डर्स होते हैं, यहाँ पेज बॉर्डर होते हैं, यहाँ शेडिंग्स होते हैं। तो आप पेज बॉर्डर लगाना, तो पेज बॉर्डर पर क्लिक कीजिए और आपको कैसे बॉर्डर चाहिए, देखिए यहाँ पे लाइन लाइन वाले बॉर्डर मिलेंगे। देखिए ऐसे यहाँ देखिए आपको व्यू दिखाया जाएगा कि आपका बॉर्डर कैसा लगेगा। ये लगा सकते हैं, जितना भी है उसका प्रीव्यू दिखता रहेगा आपको। और आपको कुछ और अच्छा लगा है तो यहाँ नीचे देखिए नन लिखा है, आर्ट्स, आर्ट्स में नन पे क्लिक कीजिए और यहाँ देखिए बहुत सारे आपको बॉर्डर्स मिलेंगे। जैसे मैं ये लगाता हूँ तो देखिए इसका प्रीव्यू ऐसा दिख रहा है। आप इसे थोड़ा मोटा कर सकते हैं, थोड़ा पतला कर सकते हैं, अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। तो आपको ये जिस यही बॉर्डर लगाना है तो आप इसे सेलेक्ट कीजिए और ओके कर दीजिए, तो ये देखिए आपके बॉर्डर लग जाएगा। अगर आपको बॉर्डर बदलना है तो फिर बॉर्डर पे क्लिक कीजिए और दूसरा बॉर्डर चूज कर सकते हैं। तो मैं ये लगा देता हूँ तो देखिए बॉर्डर चेंज हो जाएगा। इसी तरह आपको बहुत सारे बॉर्डर्स यहाँ मिल जाएंगे, इसमें भी आपको बहुत सारे बॉर्डर्स मिल जाएंगे। जैसे मैं ये लगा देता हूँ, जैसे ये लगा देता हूँ, ये ओके करिए, देखिए ऐसा बॉर्डर लग जाएगा। आप जैसा बॉर्डर चाहें वैसा लगा सकते हैं। तो ये था पेज बैकग्राउंड के बारे में। अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।